नमस्कार, मैं भारती कपासी, आप देख रहे हैं सियासी हलचल कर्नाटक में बीजेपी या कांग्रेस। जी हाँ, बात कर लेते हैं कर्नाटक विधानसभा चुनावों की। आखिरकार कौन बनेगा कर्नाटक का किंग, बीजेपी या कांग्रेस? दोनों ही पार्टियां जी जान से जुटी है। एक के सामने सत्ता बचाने की चुनौती है तो दूसरे के सामने सत्ता पर कब्जा करने का चैलेंज। बता दें, विधानसभा की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, रैलियों और रोड शो का सिलसिला भी तेजी से बढ़ता जा रहा है। ऐसे में कहा यही जा रहा है कि जिसके साथ मठ होगा सत्ता भी उसी की होगी। अगले कुछ दिनों में पीएम 16 रैलियां और रोड शो करने वाले हैं। वहीं कर्नाटक में योगी आदित्यनाथ की भी एंट्री हो चुकी है, उनका रोड शो भी हुआ और उनकी रैलियां भी हुई। बता दें, उसी कर्नाटक से राहुल गांधी दावा कर रहे हैं कि उनकी सरकार आई तो GST बदल देंगे और बीजेपी को 40 सीटों के भीतर समेटने का भी दावा कर रहे हैं। जी हाँ, बंगला खाली करने के बाद राहुल गांधी भी लगातार कर्नाटक में प्रचार कर रहे हैं। आपको बता दें, कांग्रेस और JDS भले ही अलग अलग चुनाव प्रचार कर रहे हो, लेकिन दोनों के दुश्मन एक ही है, बीजेपी। आपको बता दें, कर्नाटक में कुल 224 और लोकसभा की 28 सीटें हैं। विधानसभा में 224 सीटों में 90 सीटों पर लिंगायत का दबदबा है और इनमें से 52 सीटों पर बीजेपी के विधायक जीत कर आए हैं। बता दें, 2018 में योगी आदित्यनाथ जिन जिन सीटों पर प्रचार करने गए वहां की करीब 60% सीटें बीजेपी जीत गई। आपको बता दें, कर्नाटक में योगी ने 33 से अधिक सीटों पर सभाएं की थी और इसमें बीजेपी को जीत मिली थी, इसलिए बीजेपी फ्रंट फुट पे बता दें योगी को रखना चाहती है। फिलहाल सबको इंतजार है 13 मई का, क्योंकि उसी दिन ये तय हो जाएगा कि कर्नाटक का अगला चीफ मिनिस्टर कौन होगा। ऐसे बीच एक और खबर निकल कर सामने आ रही है। आपको बता दें, कर्नाटक में विधानसभा चुनाव का प्रचार अंतिम राउंड है। इसी बीच हनुमान जी को लेकर राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में बजरंग दल और PFI समेत नफरत फैलाने वाले व्यक्तियों और संगठनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का दावा किया है। इस पर बीजेपी ने इस पूरे मसले को हनुमान जी से जोड़कर कांग्रेस पर हमला बोल दिया है। मंगलवार को खुद प्रधानमंत्री मोदी ने जनसभा में निशाना साधा और कहा, ये दुर्भाग्य है कि कांग्रेस ने हनुमान जी को ताले में बंद करने का संकल्प लिया है। पहले श्री राम को ताले में बंद किया था। बता दें, कर्नाटक में 10 मई को विधानसभा चुनावों की वोटिंग। सोमवार को बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया। उसके एक दिन बाद मंगलवार को बेंगलुरु में कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे, कर्नाटक कांग्रेस प्रमुख DK शिवकुमार, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बता दें सिद्धारमैया और घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष डॉक्टर परमेश्वर जी ने घोषणा को सामने रखा। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में सत्ता में बता दें आने के एक साल के भीतर भाजपा सरकार द्वारा पारित सभी अन्यायपूर्ण कानूनों और जन विरोधी कानूनों को निरस्त करने का वादा किया और बजरंग दल और PFI समेत नफरत फैलाने वाले व्यक्तियों और संगठनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भी दावा किया। वहीं आपको बता दें, बीदर में पहली चुनावी रैली में PM मोदी जमकर दहाड़े। बोले, कांग्रेस ने जब जब गाली दी, जनता ने उसे सबक सिखाया। प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को कर्नाटक के बीदर में अपनी पहली चुनावी रैली में जमकर दहाड़ लगाई। PM मोदी को सुनने के लिए बीदर के हमनाबाद में बड़ी संख्या में लोग जुटे थे। PM ने कहा, मेरा सौभाग्य है कि इस विधानसभा चुनाव में मेरी शुरुआत बीदर से हो रही है। बीदर का आशीर्वाद मुझे तब भी मिला था जब मैं PM पद का उम्मीदवार बना था। PM ने भारी संख्या में लोगों को देखकर कहा कि आपने पूरे देश को संदेश दे दिया है कि इस बार भाजपा सरकार ही यहाँ बनेगी। यह चुनाव कर्नाटक को देश में नंबर एक राज्य बनाने का चुनाव है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक का यह चुनाव केवल 5 वर्षों के लिए सरकार बनाने मात्र का नहीं है, यह कर्नाटक को देश में नंबर वन राज्य बनाने का चुनाव है। उन्होंने कहा कि भारत विकसित तभी होगा जब कर्नाटक का कोना कोना विकसित होगा। अभी के लिए इतना ही। ऐसी तमाम जानकारियों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए N27 न्यूज। आप देख रहे हैं N27 न्यूज, पकड़ हर खबर पर।